हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कॉपर पाइपिंग को कनेक्ट करने वाले हैं। ये है हमारा कॉपर पाइपिंग, यहाँ पे ये पाइप है 138x78। इस सपोर्ट के ऊपर लगाएंगे हम। यहाँ पे हमारे पास है LPG और ऑक्सीजन, तो दिखा देते हैं आपको किस तरह से हम इसे कनेक्ट करेंगे। गाइस, ये 78x158 है। अभी मैंने यहाँ पर सॉकेट लगा दिया है बीच में, इसको यहाँ पे लटका देंगे। अभी इंसुलेशन डालेंगे, फिर ये पाइप हमें कनेक्ट करना है उसके अंदर। ये वाला ये ब्रांच किट है, देखते हैं इसे कौन सा मैच होता है। शायद ये मैच हो जाएगा। ये भी नहीं हो रहा है, इससे बड़ा। ये इसमें आ जाएगा और ये आ जाएगा इसमें, तो ये रेडी है। तो इसे ब्रेजिंग करके लेते हैं और बाद में बिठाएंगे पाइप, तब तक ठंडा भी हो जाएगा। तो गाइस, मैंने कुछ इस तरह से पाइपिंग को जोड़ के लिया है। यहाँ पे थोड़ा गर्म करके अपसेट किया इसे और ये पाइपिंग कुछ इस तरह से गए हैं। अभी प्रॉपर सपोर्टिंग हुआ नहीं, इसलिए वो टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन बाद में सीधा हो जाएगा। यहाँ से मैं काट दूंगा इसे और नीचे ले लूँगा, और ये जो ब्रांच किट है इसे हम वहाँ पे लगा देंगे सीधा। तो अभी ब्रेजिंग करके लेता हूँ इसे।
गाइस एक साइड ब्रेजिंग हो चुकी है, इस साइड को मैं ब्रेजिंग कर रहा हूं अभी। इसका इंसुलेशन हम वहां से डालेंगे, इसलिए वो एल्बो हम जॉइंट नहीं करेंगे अभी। गाइस ये एल्बो दोनों तरफ से ब्रेजिंग हो चुका है यहाँ पे, अब हम यहाँ से नीचे लेंगे। यहाँ पर मैं एल्बो लगा दूंगा और यहाँ से हम पाइपिंग को नीचे लेने वाले हैं। तो गाइस अभी इस तरह से पाइपिंग किया हमने, देखिए सपोर्ट लगा के, इसको फिनिशिंग नहीं किया हम लोगों ने, बाद में करेंगे। अरे अभी यहाँ पे लगाएंगे डीजीटी, ये जॉइंट, अरे पाइपिंग हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से हमने डीजीटी लगाए हैं। आप इसका पार्ट 3 देखना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।